हाय, मैं हूँ हेल्थ टेक इन्फो सेंटर वन से आपकी दोस्त एंड होस्ट। और आज जो मैं आपको लेके आई हूँ न्यू टॉपिक, वो है आपका दिस वन। ये आजकल बहुत चल रहा है, आपका चारकोल मास्क क्रीम है, एंटी ब्लैक हेड्स है ये। और ये जो हमारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। और ये जापानीज है, यहाँ की नहीं है, ठीक है, मेड इन हांगकांग लिखा है इसमें। तो ये मैंने जब परचेज़ की थी, ये ऑनलाइन की थी, बट मैं जो इस पर व्यू देना चाहूँगी, आई सजेस्ट डोंट यूज़ दिस क्रीम, बिकॉज ये मार्केट में भी बहुत 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 अवेलेबल है और बहुत चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। साइड में आपको ये एक्चुअली सेल्फी कैमरा से है तो आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, बट आपके साइड में इसका पूरा दिया हुआ ही क्या पिक है। तो प्लीज़ डोंट यूज़, बिकॉज मैंने भी इसी बहुत बहुत ज़्यादा इसका मैंने देखा था, इससे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, स्किन बहुत अच्छी आती है पूरे फेस पे। आप जैसा देख रहे हैं, मैं इसको फेस पे लगा के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने जब यूज़ किया फर्स्ट टाइम, दैट टाइम जब मैं इसको रिमूव कर रही थी, ये पील ऑफ मास्क है, और इसको जब रिमूव करते हैं तो स्किन ना ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे खिंच रही थी। तो मतलब बहुत अजीब चीज़ है, कोई भी चीज़ फेस पे हमने अप्लाई की है और स्किन ऐसे खिंच रही है, तो वो चीज़ हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा, ये देखिए मैंने फिंगर पे भी लगा है, और ये मैंने ट्रायल के लिए सूखने का मैं वेट कर रही हूँ, अभी ये गीला है थोड़ा, तो क्योंकि वीडियो के होने तक ये सूख जाएगा, अभी थोड़ा सूखा नहीं है, पर ये मैंने फिंगर पर भी लगाया है। तो इसको रिमूव करना इजी नहीं है, ये देखिए जो ये सूख चुका है, उसके बावजूद ये रिमूव करना इजी नहीं है। तो इसको जैसे अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो ये इजी रिमूव नहीं हो रहा है। इसको रिमूव करने के लिए पहले हमें इस तरह से थोड़ा सा कुरेदना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसको देखिए साइड से थोड़ा थोड़ा कुरेद रही हूँ, ओके। देन इसको थोड़ा थोड़ा करने के बाद, जैसे कि ये अब ये निकलना स्टार्ट हुआ, अब मैं इसको हटाऊंगी तो थोड़ा सा खिंचाव है इसमें, क्योंकि ये फिंगर है इसलिए हमें बिल्कुल खिंचाव नहीं दिख रहा है, बट इसमें बहुत खिंचाव है और फेस स्किन पे तो इतना ज़्यादा है। मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मुझे जानकारी नहीं थी, और ऐसा कभी कोई भी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो मैंने इसको पूरे फेस पे अप्लाई किया, क्योंकि फेस की पर्पज़ से मैंने लिया था, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो मैंने फेस पे अप्लाई किया। बट जब ड्राई होने के बाद मैंने पील ऑफ, मैंने जब फेस पे अप्लाई किया, देन ड्राई होने के बाद जब मैंने उसको निकालना चाहा, निकल नहीं रहा था। फर्स्ट मुझे ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से उसे कुरेदना पड़ा, वो इजी नहीं था, मुझे कुछ हेल्प लेनी पड़ी इस तरह की चीज़ की, उसकी मदद से मैंने उसको इस तरह से किया। एंड देन जब मैंने निकाला है तो यहाँ का तो निकल आया, ये साइड का तो निकल गया, बट ये हिस्से का निकालने में आँखों से आंसू आ गए। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, इससे मैं बिल्कुल डाउन क्वालिटी बताऊंगी, बिकॉज पील ऑफ मार्क्स मैंने लॉट्स ऑफ यूज़ किए हैं, फर्स्ट पील ऑफ मार्क्स जिसको निकालने में आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो डोंट यूज़ दिस। इस आप एडवर्टाइजमेंट और ऐसी वीडियो की तरफ बिल्कुल मत जाइए, आपकी स्किन सेंसिटिव हो या नहीं हो इसको तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, पूरे फेस पे तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। अगर आप चाहें तो ब्लैक हेड्स के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं, ओनली फॉर नोज़। बट मुझे ब्लैक हेड्स में भी कुछ खास ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसको पील ऑफ करने पे ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं, ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लगा, तो मैं सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी। और मेरी तरफ से ये तो पूरी तरह से मैं इसको 0 नंबर दूंगी और डाउन मार्केट बोलूंगी। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन से ख़रीदा था कि कैसा होगा, बट जो पेन हुआ, जो आंसू आए, तो उससे फाइनल हो गए बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है, स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है, उसके बाद इतना रिएक्ट कर गया, जिसकी सेंसिटिव होगी उसकी स्किन का तो पता नहीं क्या होगा। तो डोंट यूज़ दिस। और इसको मैं ट्राई, अभी ये देखिए जैसे कि ये सूख गया है ना, ये मैंने आपको लगाया है तो आप ये देख रहे हैं, ये सूख गया है, इसका कुछ
टेक्चर इस तरह का है, ब्लैक कलर में ही ये चारकोल है। अब मैं इसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए आपके सामने, तो ये इजी नहीं है। इसको ये देखिए, हाथ की जगह मैंने लगाया है ताकि मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। जैसे कि मैं आपको बहुत कोशिश करती हूँ इसको हटाने की, ये देखिए मतलब नेल से भी कुरेदने पे ये एक बार में नहीं आ रहा है। आई विल ट्राई अगेन। नोज़ पे भी लगाएं ना तो पहले साइड से उसको अलग करें, क्योंकि ये बहुत, अब इसके बाद इसको हल्का सा पकड़ेंगे तो ये देखिए स्किन को खींचता है, ये स्किन खींचता है, तो मतलब ये स्किन बहुत खींचता है। नॉर्मल जैसे कि ये निकल आया है, ये स्किन खींचता है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी देखिए। और ऐसा कोई पील ऑफ मुझे नहीं लगता, जैसे कि मैंने हैंड पे लगाया है पर कोई चीज़ ऐसी कुछ वो मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। और हैंड पे लगाया पर एक होता है थोड़ा बहुत कि हल्का सा कुछ ऐसे, कुछ खास मुझे नहीं लगा कि पील ऑफ करता है तो ब्लैक हेड्स निकलता है। पूरी तरह से डाउन मार्केट है और अच्छा नहीं है ये, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। पेनफुल है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। डोंट यूज़ दिस अगेन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। और मुझे लगा हमें ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताना चाहिए जो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बहुत देखने के बाद इसको लिया था ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा और मैं श्योर थी ये तो अच्छा होगा ही डेफिनेटली। तो पहले मैंने सोचा था इस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, बट मुझे लगा नहीं, मैंने परचेज़ किया है वो भी ऑनलाइन, ये मार्केट में भी अवेलेबल है, आ गया है अब। और क्योंकि इसको मैं ऑलमोस्ट काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, बट मुझे लगा मन में आया कि नहीं इस पर मैं बनाऊँ और ये चीज़ गलत है, तो ये चीज़ गलत है, तो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस, ओके। और इफ़ यू यूज़ तो ओनली फॉर ब्लैक हेड्स पर्पस, ओनली फॉर नोज एरियाज, अदर दैन डोंट यूज़, ओके। सो टेक केयर एंड बाय बाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नहीं किया हो तो। टिल देन फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।